हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग इस शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे। और जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं जीएस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, और अभी मैंने सीडीपी को बंद कर रखा है क्योंकि डीएसएसपी की वैकेंसी जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा मैं उसको भी स्टार्ट कर दूंगी पढ़ना। और आज सबसे पहले मैंने किया था, कल मैंने नाउन फिनिश किया था, आज मैंने इंग्लिश में प्रोनाउन को फिर से रिवाइज़ किया है। मैं इसको एक बार पहले भी कर चुकी हूँ, और क्योंकि आपको पता है कि जो बीपीएससी है पीआरटी का, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, करेंट्स अफेयर, जीएस का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है उसमें, तो आपको जीएस काफ़ी अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मैम आप जीएस कहाँ से कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि जीएस मैंने जितनी भी जीएस है, कुमार गौरव सर की क्लास जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं इसको डेली लेती हूँ, और बाद बाकी जो है खान सर से मैंने जीएस को पढ़ रखा है। और आप भी चाहते हैं तो आप भी उनसे पढ़ सकते हैं, ओके। और उसके बाद मेरा सेकेंड स्लॉट जो है स्टार्ट होता था लगभग 11:30-11:40 हो चुके थे, और जो मेरी 1.5 घंटे की पढ़ाई थी वो हो चुकी थी उससे पहले। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करने। तो सबसे पहले आज मैंने हिंदी का, आपको पता है कल मैंने जो वर्णमाला वाला जो भी चैप्टर था मेरा, मैंने उसको किया था। तो आज मैंने उसके जो भी क्वेश्चन आंसर थे उनको देखा, और रियल में काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर रखा है इन्होंने। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो हिंदी आई थिंक 70 या 75 मार्क्स की आ रही है, तो हिंदी को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप सेकेंड पेपर इसमें नहीं दे पाएंगे। और इसी तरीके से चल रही थी मेरी पढ़ाई, और उसके बाद मैंने हिंदी में जितने भी आई थिंक 94 क्वेश्चंस थे इसमें, मैंने उनको सॉल्व किया था। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना जीएस का कोई सब्जेक्ट। काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे थे मुझसे कि मैम डीएसएसबी का नोटिफिकेशन आ गया है क्या? तो मैं बता दूं कि अभी डीएसएसबी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बीपीएससी पीआरटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसके फॉर्म जो हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी कर दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं और आपके पास सीटेट क्वालिफाई है, आपका 90 मार्क्स क्योंकि अदर स्टेट के आपके जनरल में काउंट होंगे, तो आप लोग भी फॉर्म भर दीजिएगा, ओके। 1 hour later उसके बाद मैंने किया था आज जो कि आपके संविधान का भाग 4 है, नीति निदेशक तत्व, जो कि हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, और 36 से लेके 51 आर्टिकल तक वो है। तो उसको किया था मैंने, उसको काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ किया था। और उसके बाद जो है आपके मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या मतलब डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी पढ़ा था, तो ठीक था। और ऐसी तरीके से आप भी रिवाइज़ करते रहिएगा अपनी जो भी आपकी चीज़ें। उसके बाद मैंने आज मैथ को किया था, तो मैथ में मैंने परसेंटेज से, और मेरे पास डॉक्टर मथुरिया करके जो बुक है काफ़ी अच्छी है, आपके पास आर एस अग्रवाल या डॉक्टर मथुरिया की बुक है तो आप अच्छे से मैथ्स बहुत ही अच्छे से उसमें डिफाइन करके दी गई है, आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही था आज का ब्लॉग, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से जुड़े रहिएगा, और आप लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी को पर्सनली रिप्लाई दे देती हूँ। और तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।